रायसेन जिले के शासकीय कन्या शिक्षा परिसर में कलेक्टर अरविंद दुबे और एसपी पंकज पांडे की उपस्थिति में छात्राओं द्वारा मार्शल आर्ट का प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कलेक्टर अरविंद दुबे ने कहा कि राज्य शासन द्वारा बालिका और महिला सशक्तिकरण हेतु चलाए जा रहे शक्ति अभिनंदन अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसके तहत ही आज यहाँ छात्राओं के लिए मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण और प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें सभी छात्राएं पूरी लगन से मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रशिक्षण से छात्राएं बालिकाएं बौद्धिक और शारीरिक रूप से सशक्त बनती हैं। इसके आगे कलेक्टर अरविंद दुबे ने कहा कि जिले के सभी विकास खंडों में शासकीय शैक्षणिक संस्थानों में मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण सप्ताह भर तक दिया जाएगा। वहीं कार्यक्रम में एसपी पंकज पांडे ने कहा कि आत्मरक्षा प्रशिक्षण से बालिकाओं का आत्मविश्वास बढ़ता है, वे किसी भी खतरे की स्थिति से खुद की रक्षा कर पाती हैं। रायसेन से नरेंद्र राय की रिपोर्ट। शक्ति अभिनंदन अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान के अंतर्गत महिलाओं और बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए विभिन्न जो एक्टिविटी है वो की जा रही है। और आज इसी क्रम में, चूँकि यह दिन आज के लिए नियत तो कन्या शिक्षा परिसर है जिला मुख्यालय में, जिसमें लगभग 350 के आसपास बच्चियां हैं, इनके लिए मार्शल आर्ट के प्रशिक्षण के का कार्यक्रम आज से शुरू किया गया है। और जिला पुलिस बल में जो प्रशिक्षक हैं मार्शल आर्ट के, वो इनको प्रशिक्षण देंगे। और उम्मीद है कि निश्चित रूप से जो बच्चे हैं यहाँ पर, वो प्रशिक्षण लेकर अपने आप को और भी सशक्त महसूस करें।